हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे WBJEE का एग्जाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम WBJEE का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कहाँ कंडक्ट किया जाता है, एग्जाम का सेंटर कहाँ जाता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का आता है, सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सारी जो चीज़ें हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको नोट्स की जरूरत है, नोट्स, प्रैक्टिस साइट, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स और वीडियो लेक्चर्स, कुछ भी आपको जरूरत है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप स्क्रीन पे भी इसको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं WBJEE क्या होता है, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद देखते हैं इसका सेंटर। बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि इसका सेंटर कहाँ पे आता है। भाई, इसका सेंटर सिर्फ वेस्ट बंगाल में होता है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होता है। वेस्ट बंगाल में ही सिर्फ इसका जो कि सेंटर होता है, उसके अलावा कहीं भी सेंटर नहीं आता है। कुछ लोग पूछते हैं कि इसका दिल्ली में सेंटर आता है, भाई कहीं नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इसका वेस्ट बंगाल में ही आता है। उसके बाद इसमें देखिए एग्जाम को कंडक्ट, एग्जाम का जो मोड होता है वो क्या होता है। एग्जाम ऑफलाइन ही आपसे लिया जाता है, विद पेपर आपको जो दिया जाता है वो एम आर सीट, उसमें आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 155 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होता है और 4 घंटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स आपके कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें एक होता है मैथमेटिक्स का और सेकेंड जो होता है वो होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, ठीक है। दोनों के लिए 2-2 घंटे दिए जाते हैं, 2 घंटे मैथमेटिक्स के लिए, 2 घंटे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पेपर के लिए, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 पेपर होते हैं, टोटल 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होता है। पेपर वन की बात करें तो पेपर वन होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें जो कि होता है आपका कंडक्ट होता है 11 AM से 1 PM के बीच में, ठीक है। 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। टोटल 100 मार्क्स का आपका जो होता है एग्जाम होता है, फर्स्ट एग्जाम पेपर वन जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और उसके लिए टाइम आपको मिलता है 2 आवर, 2 घंटे आपको मिलते हैं उसके लिए। उसके बाद पेपर टू में देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है, दोनों एक साथ होते हैं, एक ही पेपर में होते हैं। इसमें टोटल 100 मार्क्स का होता है, मतलब 50 होता है फिजिक्स का एंड 50 होता है केमिस्ट्री का, ठीक है। 50-50 होता है दोनों का, 2 घंटे ही टाइम इसके लिए जाते हैं। अब देखते हैं पेपर वन जो आपका होता है, पेपर वन में आपकी 3 कैटेगरीज होती है, पेपर वन में आपकी 3 कैटेगरीज होती है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं जो 1-1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अगर आपका सही होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपका गलत होगा तो 0.25 आपका वहां से काट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 50 क्वेश्चन, सेकंड कैटेगरी जो होती है उसमें आते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में अगर आपका सही है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपका गलत है तो आपके 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी, जिसमें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन में अगर आपका सही है तो सही पे आपके 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपका गलत है तो एक भी नंबर आपका नहीं कटता है, ठीक है। टोटल आपके 75 क्वेश्चन जो कि होते हैं वो मैथमेटिक्स के आते हैं, 100 मार्क्स आपके हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो ये पेपर है, उसके बाद सेकेंड पेपर में जो फर्स्ट जो कैटेगरी होती है ये दोनों के लिए अलग अलग है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 30 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, जिसमें 1 मार्क्स आपको सही होने में मिलता है और 0.25 आपका काट दिया जाता है अगर आपका गलत होता है, ठीक है। उसके बाद 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 मार्क्स का होता है, अगर सही है तो, अगर गलत है तो आपके 0.25 मार्क्स वहां से काट लिए जाते हैं, 0.5 होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं और अगर गलत आपका आंसर होता है तो 0 मार्क्स आपके कटते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें अच्छी नेगेटिव मार्किंग है और जिनमें 0.5 मतलब आधा नंबर आपको काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मिलता है यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 50 मार्क्स का, यही फिजिक्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद यही केमिस्ट्री के लिए आप ले, मतलब फिजिक्स के लिए भी इतना ही होता है और सेम ऐसा ही होता है आपका केमिस्ट्री के लिए, मतलब 50 मार्क्स का आपका होता है फिजिक्स का और 50 मार्क्स का केमिस्ट्री का, 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं, 40 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आते हैं, ठीक है, फॉर ईच पेपर, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज क्या होती है इसकी, इसकी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश और बंगाली में होती है, ठीक है, इंग्लिश या बंगाली में आप चूज कर सकते हो, दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सिलेबस क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट इसका सिलेबस जेईई के सिलेबस की तरह ही होता है और जेईई के सिलेबस के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 PWD वालों के लिए आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है, PWD वालों के लिए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं 20 मिनट, हर पेपर में 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, बट उनको उनके बोर्ड ऑफिस कोलकाता में बैठना पड़ता है, ठीक है, कोलकाता बोर्ड ऑफिस में उनको बैठना पड़ता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, इसको एग्जाम को देने के लिए आपकी कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी एटलीस्ट 17 ईयर ओल्ड, आप 17 साल के कम से कम हो, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें है। उसके बाद प्लस टू आपको हो फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अगर आप जाना चाहते हो तो ये आपको प्लस टू में
फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, या तो आपने क्रॉस कर लिया मतलब पास कर लिया, या आप उसमें इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो उसमें दोनों में है विद 45% मार्क्स आपको यहाँ पे जरूरी है, 45% मार्क्स फॉर जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 30% इन इंग्लिश, और इंग्लिश में भी आपको एटलीस्ट 30% आपको चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि सारा कवर कर पाए, अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हम आपका उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपका जो क्वेरी हो वो यहाँ से आपको रिमूव हो गई हो, आपको कुछ आपका नहीं बताया तो आप कमेंट में पूछना, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।